नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर के नवागत एसपी व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय कुमार साहनी ने अपना रौद्र रूप अपराधियों के खिलाफ दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका असर ही है कि उनके आते ही मुठभेड़ में एक अपराधी को घायल कर पकड़ लिया गया है। बता दें कि यह मामला महाराजगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से किया है, जिसमें रविवार की भोर में मुठभेड़ के दौरान बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर देने की जघन्य घटना में वांछित अपराधी को घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया। उस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना अध्यक्ष महाराजगंज संतोष राय और क्राइम ब्रांच स्वाट प्रभारी आदेश त्यागी अपनी अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र में वांछित व संदिग्ध अपराधियों की तलाश में निकले थे। करीब 3 बजे भटपुरा गांव में पुलिया के पास संदिग्ध युवक को रोकना चाहा तो वह भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर वह गोली चलाने लगा। एक गोली स्वाट प्रभारी आदेश त्यागी के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। दाहिने पैर में 2 गोलियां लगने पर अपराधी गिर गया। गिरफ्तार अपराधी की शिनाख्त अच्छे डफाली निवासी तरहटी थाना मोगरा बादशाह के रूप में हुई। पुलिस उसे CHC बदलापुर ले गई। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि तरहटी गांव में बीते बुधवार की सुबह नदी किनारे 8 वर्षीय बालिका का शव मिला था। मृत बालिका उसी गांव में पंचायत भवन में प्रयागराज से आकर डेरा डालकर रह रहे परिवार की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। इसी जघन्यतम अपराध में वांछित अच्छे डफाली तभी से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज रात लगभग 3 बजे के आसपास थानाध्यक्ष महाराजगंज संतोष राय और स्वाट प्रभारी आदेश त्यागी की टीम महाराजगंज थाना क्षेत्र में भ्रमण पर थी, तो भटपुरा पुलिया के पास में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में जाते हुए दिखाई पड़ा। उस पर जैसे ही पुलिस के वाहन की लाइट पड़ी तो भागने का प्रयास किया। पुलिस को जब संदेह हुआ उसको रोकना के लिए जैसे पुलिस आगे बढ़ी तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। ये फायर SOG प्रभारी आदेश त्यागी की BP जैकेट पर लगी। पुलिस ने भी अपने बचाव में पिस्टल से 2 राउंड फायर किया, जो उसके दाहिने पैर में लगी। वो गिर गया। उसको तत्काल जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अच्छे डफाली ग्राम तलहटी थाना मोगरा बादशाहपुर का रहना बताया। ये वही अपराधी है जिसने कि कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। ये हमारे मोगरा बादशाहपुर का वांछित अपराधी है। इसको तत्काल उपचार के लिए बदलापुर CHC रवाना कर दिया गया। वहाँ से फर्स्ट एड देने के बाद इसे जिला अस्पताल जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस टीम के साथ ही फील्ड यूनिट CO बदलापुर SDM बदलापुर ये सभी लोग पहुंच गए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।